नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एनिस्ट्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रतिरोध का संयोजन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले ओम के नियम के बारे में पढ़ा था। ओम के नियम से आता है V बराबर I into R, जिसमें R होती है मतलब निर्भरता, प्रतिरोध होते हैं और प्रतिरोध की निर्भरता। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, अध्ययन किया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध के संयोजन के बारे में। हम लोग किसी चीज को पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि एक चीज को रट नहीं रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को, एक एक बातों को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, न कि हम लोग एक एक चीज को रटने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या है, प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है और क्या मतलब इसके बारे में संपूर्ण पूरी की पूरी जानकारी हम लोग समझेंगे, याद नहीं करेंगे, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चैनल पे जितने लोग भी नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से चैनल को मतलब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन होता है उसको आप लोग जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आइए देखते हैं। देखिए, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। वो दो प्रकार हमारे क्या है, पहला होता है श्रेणीक्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। तो हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे श्रेणीक्रम संयोजन का। तो श्रेणीक्रम जो संयोजन होता है इसको देखिए कैसे क्या होता है। श्रेणीक्रम संयोजन ध्यान से समझिएगा, प्रयास करिएगा। इस संयोजन में प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जो श्रेणीक्रम संयोजन होता है उसमें जो प्रतिरोध होते हैं उन प्रतिरोधों सब कुछ बात जो हो रही है प्रतिरोध को हो रही है, तो उन प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ने का प्रयास करते हैं या जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। आइए आप देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, पहला प्रतिरोध है, यहां हम मान लेते हैं कि दूसरा प्रतिरोध है, यहां हम मान लेते हैं तीसरा प्रतिरोध है। यहां पे हम मानते हैं कि ये पहला प्रतिरोध है और पहला जो प्रतिरोध है इस पहले वाले प्रतिरोध का जो है ये देखिए दूसरा सिरा, पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध क्या है पहले सिरे से जुड़ा हुआ, इस वाले सिरा से क्या हो रहा है जुड़ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये वाला प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ। ये वाला जो दूसरा वाला सिरा होता है उसमें क्या होता है, दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन। उसके बाद फिर इसका देखिए, इसका वाला दूसरा वाला सिरा इसके वाले पहले वाले सिरे से जुड़ा होता है, इसी को हम कहते हैं, इसको हम मानते हैं कि हमारा R1 प्रतिरोध है, इसको हम मानते हैं कि हमारा क्या है R1 प्रतिरोध है, ये हमारा R2 प्रतिरोध है और ये हमारा क्या है R3 प्रतिरोध है। इसको हम ला करके एक बैटरी से जोड़ देते हैं, इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं। जब ये कुंजी जब लगा देते हैं इसमें एक धार, यहाँ देखिए प्लस और ये माइनस, यहाँ से धारा प्रवाहित होने लगती है, धारा निकलने लगती है। इसमें जो धारा जो बहती है हमारी, अब यहाँ पे एक बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि R1, R2, R3 जो प्रतिरोध है, अगर जो हमारी वी वोल्ट की बैटरी है इस बैटरी से अगर धारा प्रवाहित होगी तो क्या धाराएं भी बदलेगी, प्रतिरोध R1, R2, R3 है, क्या R1 में जाएगी तो धारा मतलब जो होगी अलग हो जाएगी, R2 में जाएगी तो क्या धारा अलग हो जाएगी और R3 में जाएगी तो क्या धारा अलग हो जाएगी, नहीं। इसका एक ध्यान दीजिएगा और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पढ़िए आप कि धारा रास्ता बदलने पर धारा बदलती है, जब रास्ता बदलेगा तब धारा का मान क्या होगा बदलेगा। जैसे हम आपको क्या बताए थे कि एक मान लीजिए पाइप है, पतला पाइप, थोड़ा सा पाइप बढ़ गया, फिर उसके बाद पाइप बढ़ गया, तो क्या यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा पानी जितना भी हम यहाँ मान लीजिए कि अगर यहाँ डालते हैं पाइप में तो क्या इसके सिरे पे क्या कहीं और पानी चला जाता था, पानी कहीं और नहीं जाता था, जितना पानी यहाँ डालते थे उतना पानी उसके दूसरे सिरे पे चला आता था, तब तक आता था जब तक कि इसमें कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता था। तो वही वहां पर लिखा गया है कि रास्ता बदलने पर धारा बदलती है, मतलब कि इसमें धारा क्या होगी, जितनी धारा जितना पानी यहाँ रहेगा उतना ही पानी यहाँ तक आएगा, तो इतनी जितनी धारा यहाँ से चलेगी उतना पूरा का पूरा धारा क्या आएगा यहाँ तक, वोल्ट की बैटरी तक, दूसरे सिरे तक आएगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि धारा यहाँ भी आई होगी, यहाँ भी धारा आई होगी, यहाँ भी धारा आई होगी। यहाँ आप एक चीज का ध्यान देंगे कि आपका बिंदु मान लेते हैं ए है, ये बिंदु ए है, ये वाला बिंदु आपका मान लेते हैं बी है, और ये बिंदु आप मान लेते हैं सी है, और ये बिंदु क्या है डी है। ये आई धारा, आई धारा, आई धारा, धारा में कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें जो विभवांतर होता है,
जब इस प्रतिरोध के नीचे जब हम विभवांतर हम लगाते हैं इसको अमीटर के बाद वोल्ट मीटर जब लगाते हैं, अमीटर तो लगाते हैं धारा मापने के लिए, लेकिन जब वोल्ट मीटर जब लगाते हैं विभवांतर लगाते हैं, तो अब इसमें आप बताइएगा कि क्या इसका विभवांतर चेंज हो जाएगा, इसका जो विभवांतर है क्या विभवांतर इसका चेंज होगा? किसका विभवांतर भी चेंज होगा? फिर यहां पर एक पॉइंट को आप पढ़िए कि बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। यहां पे देखिए ए बिंदु था, ए बिंदु से कहां पहुंच गया बी बिंदु पे, बी बिंदु से कहां पहुंच रहा है सी बिंदु पे, सी से कहां जा रहा है डी बिंदु पे। इसमें क्या हो रहा है बिंदु को ये बदल रहा है, और जब बिंदु को बदल रहा था तो ये आर वन जो प्रतिरोध है, आर वन प्रतिरोध के लिए क्या लग रहा है विभवांतर भी वोल्ट मतलब लग रहा है, और आर टू के लिए भी लग रहा है, फिर आर थ्री के लिए भी लग रहा है, ये अभी नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा भी वन वोल्ट की लगेगा, भी वन विभवांतर लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा भी टू विभवांतर लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा भी थ्री विभवांतर लगेगा। जो प्रतिरोध जब बदलते हैं, जब बिंदु बदलता है तो उसमें विभवांतर का मान क्या होता है चेंज होता है, यहाँ विभवांतर भी वन भी टू और भी थ्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक आप समझ लिए, अब इसके बाद बात आती है कि इसमें ओम के नियम, तो आपको ओम के नियम पिछले वाले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि विभवांतर मतलब विभवांतर भी बराबर क्या होता है ओम के नियम से आई इंटू आर होता है, तो विभवांतर भी इंटू आर। अब यहाँ एक चीज देखिए, जो आर वन प्रतिरोध है, आर टू प्रतिरोध है, आर थ्री प्रतिरोध है, अगर हम इन तीनों प्रतिरोध को आपस में जोड़ करके अगर हम एक अलग प्रतिरोध निकालना चाहें, एक संपूर्ण प्रतिरोध जोड़ निकालना चाहें, तीनों प्रतिरोध को जब जोड़ करके एक प्रतिरोध नया प्रतिरोध जब बनाया जाता है तो उसको हम कौन सा प्रतिरोध कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध उसका नाम देते हैं। जैसे देखिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ये तीन प्रतिरोध को हम जोड़ करके, ये तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को जोड़ करके हम यहाँ पे एक अलग नया प्रतिरोध बनाए हैं R, और जब एक जब दो तीन प्रतिरोध को जब आपस में जोड़ दिया जाता है जब, तो उसके बाद जो प्रतिरोध आता है वो कौन सा होता है R तुल्य प्रतिरोध, इसी का हम नाम देते हैं R तुल्य प्रतिरोध। ये R तुल्य प्रतिरोध हो गया, यहाँ पे विभवांतर जो बैटरी लगी है वो भी वोल्ट की बैटरी लगी है, और धारा में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो धारा यहाँ पे जो भी धारा बहेगी आई धारा बहेगी, यहाँ भी आई धारा बहेगी, और यहाँ भी क्या होगी आई धारा बहेगी। लेकिन यहाँ एक याद दिलाइए कि ए बिंदु से क्या था आर वन प्रतिरोध ए बिंदु के था, और आर थ्री जो प्रतिरोध है डी बिंदु था, अगर हम ए से डी तक तीनों प्रतिरोध को आपस में जोड़ दिए, यहाँ से बिंदु जो हमारा जाएगा जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आएगा वो बिंदु ए से लेकर के बिंदु डी, यहाँ पे हम जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे वो किसके किसके बीच में निकालेंगे ए बिंदु से लेकर डी बिंदु के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। और तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि इसका जब इसमें ओम के नियम से आप देखेंगे तो ओम के नियम से जब भी हम देखेंगे तो सबसे पहले यहां से देखेंगे आर वन प्रतिरोध के लिए, यहां लिखेंगे आर वन प्रतिरोध के लिए, तो आर वन प्रतिरोध के लिए जब आर वन प्रतिरोध के लिए यहां पे जब हम देखेंगे तो यहां पे हम देखेंगे कि भी वन यहां पे क्या है भी बराबर आई इंटू आर होता है ओम के नियम से, यहां पे भी वन यहां पे हम लिखेंगे कि भी वन बराबर आई इंटू आर वन, यहाँ पे देखिए आई चेंज नहीं हो रहा है, आई जो का क्यों है आर वन क्या है प्रतिरोध क्या है आर वन है, यही बात को कर देंगे, इसको क्या हो जाएगा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे फिर आर टू प्रतिरोध के लिए, आर टू प्रतिरोध के लिए, आर टू जब प्रतिरोध के लिए जब हम देखेंगे आर टू प्रतिरोध देखिए क्या है विभवांतर भी है वी टू है, यहाँ वी टू बराबर हो जाएगा हमारा आई इंटू आर टू, ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सेकेंड। अब आगे हम आर्थिक प्रतिरोध के लिए देखेंगे, यहां लिखेंगे कि आर्थिक प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध के लिए जब हम आर्थिक जब प्रतिरोध के लिए देखेंगे तो आर्थिक प्रतिरोध क्या है भी थ्री है, तो भी थ्री बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू आर थ्री, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये तीन प्रतिरोध पे जब आपस में जोड़ देते थे तो एक तुल्य प्रतिरोध निकालते थे, तीन तुल्य प्रतिरोध के लिए हमारा जब यहां पे हम देखेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे कि संपूर्ण या तुल्य प्रतिरोध के लिए, यहां पे हम क्या लिखेंगे या यहां पे लिखेंगे कुल प्रतिरोध के लिए, जब आर वन आर टू आर थ्री जब सबको जोड़ दिए तो यहां पे हम लिखेंगे कि कुल प्रतिरोध के लिए, कुल प्रतिरोध के लिए, कुल प्रतिरोध के लिए, जब कुल प्रतिरोध के लिए यहां पे हम लिखेंगे तो फिर वही ओम के नियम से यहां पे कैपिटल भी आ गया, क्या इसका विभवांतर क्या होगा, जब कुल प्रतिरोध जोड़ दिए तीनों प्रतिरोध को जब आपस में जोड़ दिए इसका विभवांतर भी जो है वी वन वी टू वी थ्री सब मिलकर के यहां पे क्या हो जाएगा यहां पे भी विभवांतर हो जाएगा
सिंगल, यहाँ पे वही हो जाएगा V बराबर I इंटू, इसमें भी धारा चेंज तो होगा नहीं, और यहाँ क्या हो जाएगा R, ये पूरा का पूरा R प्रतिरोध हो जाएगा। अब ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, तो 1, 2, 3 तथा 4 से अगर देखेंगे तो कुल प्रतिरोध जो भी बराबर है, तो भी बराबर हम क्या कर रहे हैं, तीनों के तीनों विभवांतर को, तीनों के तीनों प्रतिरोध को आपस में जोड़ करके एक बड़ा प्रतिरोध बनाना चाह रहे हैं। यहां हम लिखेंगे कि भी बराबर कुल प्रतिरोध, भी बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। या यहाँ पे आप कुल प्रतिरोध ना लिख करके यहाँ लिखिए, आप कुल यहाँ पे लिखिए तुल्य प्रतिरोध, यहाँ लिखिए तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है तीनों तीनों प्रतिरोध को जो हम जोड़े हैं, मतलब क्या प्रतिरोध, भी बराबर आई इंटू आर, यहाँ लिखेंगे आप कुल प्रतिरोध या कुल विभवांतर। तो जब कुल विभवांतर जब यहाँ पे लिखेंगे तो भी बराबर क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए कुल विभवांतर, विभवांतर, और कुल विभवांतर के बाद अब यहाँ पे आप पुट करेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 का मान रखने पर, जब समीकरण 1, 2, 3, 4 का मान रखने पर, जब समीकरण 1, 2, 3, 4 का वैल्यू जब इसमें जब पुट करेंगे तो भी बराबर क्या है, देखिए I इंटू आर है, यानी कि I इंटू आर बराबर V1 की वैल्यू क्या है, I इंटू आर वन है, I इंटू आर वन हो जाएगी, फिर प्लस I इंटू आर टू हो जाएगी, फिर प्लस I इंटू आर थ्री। अब यहाँ पे देखिए I इंटू आर बराबर यहाँ से I धारा, यहाँ भी I धारा, आर वन प्रतिरोध में I धारा, आर टू प्रतिरोध में I धारा, आई थ्री प्रतिरोध में I धारा, धारा कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ प्रतिरोध मतलब धारा I, उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ पे जो है आप जोड़ करके जब एक निकाले हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि I इंटू आर, और यहाँ पे लिख लेंगे तुल्य, ये किसका निकालना है, संपूर्ण का निकालना है, तीनों को प्रतिरोध को जब आपस में जोड़ देते हैं तब का निकालना है। यहाँ पे देखिए I से क्या हुआ, I कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा R तुल्य, तो R तुल्य प्रतिरोध बराबर हमको वैल्यू क्या मिल गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से आप देख रहे हैं कि जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, और श्रेणी क्रम संयोजन में R तुल्य बराबर क्या आ गया, हम तीन प्रतिरोध को जब आपस में जोड़ रहे थे तो तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में क्या आ गया, R तुल्य बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसी प्रकार अगर हम यहां पे ले लें कि अगर n प्रतिरोध हो, जैसे यहाँ पे जो तीन प्रतिरोध लिए थे R1 R2 R3, यहाँ पे अगर हम एक बात मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाए तीन प्रतिरोध हो जाए, यहाँ पे हम लिख लें n प्रतिरोध, n प्रतिरोधों के लिए, यन प्रतिरोधों के लिए, जब यन प्रतिरोधों के लिए जब देखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई हमारा जो, तो यहां पे हो जाएगा Rn तुल्य। तो Rn के लिए क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस .. यहाँ पे आप देख लिए कि जो R तुल्य होता है, n प्रतिरोध जो होता है, n प्रतिरोध के लिए R तुल्य बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस .. अब इससे संबंधित जो श्रेणी क्रम हमारा है, श्रेणी क्रम संयोजन, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम अभी आपको यहाँ पे लिख करके भी बता देते हैं इसके संबंधित क्या है। देखिए इसमें नोट जो है कुछ क्या नोट में है कि सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है, आपको बताया है कि जो क्या होती है यहाँ पे धारा रास्ता बदलने पर धारा बदलती है, यहाँ रास्ता नहीं बदल रहा है इसका मतलब श्रेणी क्रम में क्या होगी धारा क्या होगी समान होगी, लेकिन भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है भिन्न भिन्न होता है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है, इसका कहने क्या मतलब है कि श्रेणी क्रम जो है उसमें जो संयोजित प्रतिरोध होगा तो जो संयोजित जो प्रतिरोध होगा वो तुल्य प्रतिरोध के योग के क्या बराबर हो जाएगा, इसको कैसे हम समझ सकते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं कि R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर क्या हो जाएगा 3 ओम, और ये बराबर कैसे हो रहे हैं तुल्य प्रतिरोध के, यानी कि किसके बराबर हो रहे हैं तुल्य प्रतिरोध
उनके योग के बराबर है, तो तुल्य प्रतिरोध अगर इनका आर वन बराबर एक ओम, आर टू बराबर दो ओम और आर थ्री बराबर तीन ओम, अगर इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाले तो हमको आर तुल्य बराबर क्या आ जाएगा, आर टू बराबर यहाँ पे वन प्लस टू प्लस थ्री। इसका कहने का क्या मतलब है कि तीन दो पांच एक छ, यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, छ ओम आ गया। और इन दोनों ये जो आर तुल्य प्रतिरोध है यही इसी को तो आपस में जोड़ रहे हैं, इनके क्या होते हैं तुल्य प्रतिरोध बराबर होते हैं। और अगला इसमें एक पॉइंट हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे जो धारा जो है श्रेणी क्रम का जो संयोजन है उसमें जो हमारा ओम के नियम से भी बराबर आई द्वारा आता है, तो यहाँ आपको एक चीज यहाँ से क्या मिल रहा है कि जब सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है, जब सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है इसका मतलब हमारा क्या होता है कि भी बराबर आई इंटू आर, यहाँ पे क्या है भी बराबर आई इंटू आर, इसमें आई जब धारा जो है वो क्या है समान है, जब समान कोई चीज होता है तो क्या कहलाता है नियत होता है। यहाँ लिखेंगे कि श्रेणी संयोजन में आई बराबर क्या होगा, ये नियत होगा, इस पॉइंट का ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आई बराबर क्या होती है नियत। और जब आई बराबर जब नियत हो गया तो भी जो होता है जो विभवांतर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है प्रतिरोध के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम कह सकते हैं कि भी वन रेशियो भी टू रेशियो भी थ्री डॉट 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 आर वन रेशियो आर टू रेशियो आर थ्री रेशियो डॉट डॉट डॉट, मतलब कि जो विभवांतर का रेशियो होता है विभवांतर का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। आप एक बार इसको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप नोट्स बनाते हुए चलिए। अब इसके बाद हम इसको इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कि समांतर क्रम या पार्श्व संयोजन क्या होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है, देखिए क्या होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों को एक इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। जैसे देखिए क्या है, मान लेते कि यहां प्रतिरोध आर वन है, ये प्रतिरोध हमारा क्या है आर वन है, हम दूसरे प्रतिरोध को मान लेते हैं आर टू प्रतिरोध है, ये हमारा क्या है आर थ्री प्रतिरोध है, ये आर वन प्रतिरोध है, ये आर टू प्रतिरोध है और ये क्या है आर थ्री प्रतिरोध है। और इसमें कहा जा रहा है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु से जुड़े हो, जैसे कि हम मानते क्या है यहां पे ये मानेंगे इसका जो एक सिरा होगा इस बिंदु से दूसरा सिरा भी और तीसरा सिरा भी, ये तीनों के तीनों प्रतिरोध के जो होंगे सबके सब क्या होंगे किसी एक बिंदु पे होंगे जुड़े हुए। और उसी तरह यहाँ पे भी होगा और दूसरा देखिए दूसरा सिरा भी दूसरे बिंदु से जुड़ा होगा, इसका जो दूसरा जो सिरा है इस प्रतिरोध का तीनों प्रतिरोध का ये सब भी सब क्या होंगे तीसरे बिंदु पे होंगे। आप यहां पर देख पा रहे हैं इसको हम मान लेते हैं कि ए बिंदु है, इसको हम मानते हैं कि ए बिंदु है, ये मानते हैं बी बिंदु है और इसमें हम क्या करते हैं एक बैटरी लगाते हैं। कुंजी लगा दिए, जब कुंजी लगा दी यहां से प्लस धारा और यहां माइनस, तो प्लस धारा मान लिया यहां से क्या हो रही है प्रवाहित होने लगेगी, जब आई धारा जो कहां से जब प्रवाहित जब होगी यहां से आई धारा। अब यहां पे देखिए एक बात को जो हम आपको बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है धारा, रास्ता बदलने पर धारा बदलती है, जब भी रास्ता बदलेगा क्या होगी धारा बदल जाएगी। यहाँ से जब वी वोल्ट की बैटरी जब लगाए थे और वी वोल्ट की बैटरी से जब धारा जब प्रवाहित होने लगी तो यहाँ पे धारा प्रवाहित होने होते जब ए बिंदु पे जब आई धारा तो यहाँ से धारा देखिए क्या हो रही है ए बिंदु से इधर चली जा रही है धारा, दूसरी धारा दूसरे तरफ और तीसरी धारा तीसरी तरफ, मतलब यहाँ से क्या हो रही है तीन रेजिस्टेंस है तीन प्रतिरोध में अलग अलग धाराएं जाएगी और एक बिंदु से धारा क्या हो रही है बदल रहा है, रास्ता क्या हो रहा है बदल रहा है। जब रास्ता बदलेगा तो धारा का मान क्या होगा बदलेगा, यहाँ पर जो हमारा I था वो यहाँ पे I1 बन जाएगा, यहाँ पर I2 बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा I3 बन जाएगा, तो यहाँ पे धाराएं क्या हो जाएगी I1 I2 I3। और इस बिंदु पे देखिए क्या है विभवांतर, अगर यहाँ विभवांतर की बात होगी कि विभवांतर क्या होगा तो विभवांतर में देखिए क्या लिखा गया है कि बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है, बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। और यहाँ पे आप पढ़िए क्या है कि सभी के पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे के दूसरे बिंदु पर है, ये सबके सब प्रतिरोध जो है सबके सब प्रतिरोध कहाँ है ए बिंदु पर है, सबके सब प्रतिरोध कहाँ है दूसरे बिंदु पर है, तो जब बिंदु बदलता है तब विभवांतर बदलता है, मतलब इसका कहने का मतलब है इसमें विभवांतर चेंज नहीं होगा, विभवांतर चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर भी विभवांतर होगा, यहाँ पर भी विभवांतर होगा, यहाँ पर भी क्या होगा भी विभवांतर होगा। और यहाँ से होते हुए पूरी की पूरी धारा जैसे आ रही थी सब की सब धारा यहाँ से आएगी और यहाँ आकर के आई धारा हो जाएगी और आई धारा होते हुए आकर के बैटरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि ए और बी के बीच क्या निकलेंगे, यहाँ पे
तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे ओम के नियम से। यहां आप लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। और यहां भी हम क्या करेंगे, जो ये तीन प्रतिरोध जो लगे हैं R1 R2 R3 समांतर क्रम में जो लगे हुए हैं, इसको हम क्या करेंगे एक क्रम में लगाएंगे। ये हमारा हो जाएगा A बिंदु, और A बिंदु के बाद वही चीज यहां पूंजी है, यहां से धारा प्लस माइनस, यहां से धारा मान लीजिए प्रवाहित हो रही है, और ये हमारा जो R1 R2 R3 जो है ये सब के सब प्रतिरोध बन जाएंगे, क्या R बन जाएगा, यहां भी विभवांतर क्या हो जाएगा, यहां विभवांतर भी हो जाएगा, और यहां जो धाराएं जो है ये धाराएं I1 I2 I3 जो है यहां पे हम इसको मान लेंगे कि ये जो धारा इसमें जो बहेगी वो धारा क्या बहेगी, I धारा बहेगी, इसमें जो धारा बहेगी वो I धारा बहेगी, R प्रतिरोध और ये भी। यहां पे हम ओम के नियम से देखेंगे तो ओम के नियम में किसका चेंजिंग हो रहा है, धाराएं, जो धारा है सबकी सब धारा क्या कर रही है अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। जब धारा जब डिवाइड हो जाती है हमारा ओम का नियम क्या है, वी बराबर आई इनटू आर, लेकिन यहां पे हम क्या लगाएंगे कि I1 इसमें लिखेंगे कि प्रतिरोध आर के लिए, प्रतिरोध R1 के लिए, तो प्रतिरोध R1 के लिए अगर हम देखेंगे तो यहां I1 बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान R1। यहाँ पे भी क्या है, विभवांतर में चेंजिंग नहीं हो रहा, तो विभवांतर में चेंजिंग भी हुई होगा, और ये क्या हो जाएगा आर वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। अब हम लिखेंगे प्रतिरोध R2 के लिए, प्रतिरोध R2 के लिए, जब प्रतिरोध हम R2 के लिए देखिए देख रहे हैं तो इसमें भी क्या है विभवांतर वही है, इसमें धारा क्या है I2 है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि I2 बराबर वी अपान R2, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे फिर क्या लिखेंगे प्रतिरोध R3 के लिए, तो प्रतिरोध R3 के लिए, तो प्रतिरोध R3 के लिए यहां पे क्या हो जाएगा I3 बराबर, यहां देखिए I3 है तो I3 जो धारा जा रही है उसमें विभवांतर क्या है भी है, और विभवांतर भी अपान यहां पे क्या हो जाएगा प्रतिरोध R3 हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। और इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, और उसके बाद इन तीनों प्रतिरोध को जब आपस में मिला करके जब हम R2 प्रतिरोध यहां पे निकालना चाह रहे हैं, यहां पे जब R2 जब प्रतिरोध हमारा जब निकलेगा तो R2 प्रतिरोध के लिए यहां पे क्या हो जाएगा, लिखिए यहां पे कि R2 प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए यहाँ सब की सब जो धाराएं जब जी R1 R2 आती है धारा थी वो सब की सब एक रह मान लेते हैं कि एक तुल्य प्रतिरोध हम निकालना चाह रहे हैं, सबको जोड़ करके एक प्रतिरोध बनाना चाह रहे हैं, इसमें कैपिटल I धारा प्रवाहित होने लगेगी, और कैपिटल I बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल V अपान कैपिटल R, क्योंकि यहाँ जो प्रतिरोध हो जाएगा वो सिर्फ R प्रतिरोध हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया फोर। अब हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, समीकरण 1, 2, 3, 4 से, जब समीकरण 1, 2, 3, 4 से अगर हम देखेंगे तो समीकरण 1, 2, 3, 4 से हमारा विभवांतर क्या होता है I बराबर, जो इसमें देखिए क्या चेंजिंग हो रहा है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, धारा क्या हो रही है, धारा बदल रही है, तो धारा जब बदलेगी यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम I बराबर V अपान R, और यहाँ पे जो धारा जो हो रहा है तो सबके सब धारा जो है अलग अलग हो रही है, और धारा को आपस में जोड़ना चाहेंगे, हम लिख देंगे I बराबर I1 प्लस I2 I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ये वाला जो है अब इसमें हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 तथा 3 से, अब यहाँ पर लिखेंगे हम जो यहाँ पर लिख दिया गया था इसको, अब यहाँ पर लिखेंगे हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, I बराबर कुल धारा, क्योंकि हम जब एक जब प्रतिरोध लेते हैं तो यहाँ पर एक प्रतिरोध एक धारा जब आ गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे जब I हो जाएगा तो यहाँ I बराबर वैल्यू क्या है समीकरण, अब यहाँ लिखे समीकरण 1, 2, 3, 4 से, समीकरण 1, 2, 3, 4 से, जब समीकरण 1, 2, 3, 4 से देखेंगे तो I बराबर हम क्या लेकर क्या है V अपान R, यहाँ लिखिए V अपान कैपिटल R बराबर R1 में क्या है V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। यहाँ हम निकल गया और यहाँ से V जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा V अपान कैपिटल R बराबर यहाँ पे भी काम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से भी से भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
यहाँ पे हमको देखने को क्या मिल रहा है कि जब समांतर क्रम में जब हम पार्श्व क्रम में जब हम संयोजन निकालेंगे तो पार्श्व क्रम में संयोजन बराबर क्या आ रहा है, जब तीन पार्श्व क्रम को जब तीन प्रतिरोधों में जब आपस में जोड़ रहे हैं और पार्श्व क्रम में जब जोड़ रहे हैं एक बिंदु पे जब ला करके तीनों प्रतिरोध को जब हम जोड़ रहे हैं तो इसका हमारा क्या आता है 1/R1 R तुल्य। यहाँ हम लिखेंगे कि 1/R तुल्य समांतर क्रम में R तुल्य प्रतिरोध, तो R तुल्य बराबर क्या आ गया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसी प्रकार अगर हम लिखेंगे कि अगर तीन क्रम को तीन प्रतिरोध को जब समांतर क्रम में जोड़ते थे तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 आया है। और इसी प्रकार अगर हम लिख लें कि यन प्रतिरोधों को जोड़ने पर, अगर यहाँ पे हम लिखें कि यन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर यन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो यहां R तुल्य क्या आ जाएगा 1/R तुल्य हो जाएगा, Rn तुल्य बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ……. यहाँ भी जब यन हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा यन, जब तीन जोड़े थे तो R1 R2 R3 आया था 1/R में, और अगर ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे यन जोड़ देंगे तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 और इससे जो समांतर क्रम संयोजन है इससे संबंधित कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताते हैं। आइए देखते हैं कि वो पॉइंट क्या क्या है। देखिए नोट में क्या थे, तीन पॉइंट है समांतर क्रम संयोजन के। समांतर क्रम संयोजन में सबसे पहला नोट आप पढ़िए क्या है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम कुल प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए आप क्या है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के, ये तुल्य प्रतिरोध है और तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के, और इसको जब आपस में जोड़ेंगे इसके क्या होता है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तुल्य प्रतिरोध। पहला वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। दूसरे वाले पॉइंट को आप पढ़िए क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। विभवांतर आप देखे ही हैं कि जब यहाँ विभवांतर क्या है, बिंदु बदलने पर विभवांतर बदलता है। समांतर क्रम में क्या बिंदु बदल रहा था, एक बिंदु पर था, दोनों ए और दो प्रतिरोध जो थे वो सबके सब क्या थे, एक बिंदु पे थे, ये सब के सब क्या होते हैं, समान होते हैं, बीच विभवांतर समान होता है, नहीं बदलता है विभवांतर। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ। तीसरे पॉइंट को आप समझिए कि इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जोड़े गए न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। इसको आप समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करिए। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध एक है, दूसरा 2 ओम का प्रतिरोध है, और तीसरा क्या है 3 ओम का प्रतिरोध है, और इन तीनों को हम क्या जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो अभी आप पढ़े हैं यहाँ पे क्या पढ़े हैं कि 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसको जब हम जोड़ेंगे जब तो यहाँ पे R तुल्य, यहाँ पे क्या आएगा R तुल्य, यहाँ पे आप पढ़िए कि तुल्य प्रतिरोध का मान जो है तो R तुल्य बराबर क्या जाएगा 1/R, यहाँ पे क्या है 1 ओम है 1 + 1/R2 + 1/R3, इसको हम लेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/R तुल्य। तो 1/R तुल्य बराबर क्या आ गया हमारा, तो 1/R तुल्य 36 9 10 11 ये क्या आ गया 11/2, तो 11/2 नहीं 6, 11/6 आ गया। लेकिन ये क्या आया 1/R तुल्य बराबर 11/6 आया है, न कि R तुल्य आया है, तो हमको R तुल्य निकालना है। यहाँ पे हम अगर R तुल्य निकालेंगे तो R तुल्य जब निकालेंगे तो क्या जाएगा आपस में वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो 6/5 क्या आ जाएगा 11, और 6/11 की जो आप करेंगे क्या है इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 ओम। आप एक चीज आप देखिए कि जो 0.5 इसमें क्या निकल गया, न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। तो न्यूनतम प्रतिरोध इसका क्या है, सबसे कम प्रतिरोध क्या है 1 ओम प्रतिरोध है, सबसे कम प्रतिरोध इसका क्या है 1 ओम प्रतिरोध है, और 1 ओम जो प्रतिरोध है ये देख रहे हैं आप 0.5 R तुल्य की जो वैल्यू आती है वो 0.5 1 ओम सबसे छोटे वाले प्रतिरोध से भी क्या आती है, छोटी आती है। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। अब एक चीज और जानिए आप कि समांतर क्रम संयोजन में आपका ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है I × R, और इसमें R जो धारा थी धारा क्या हो रही थी बदल रही थी, धारा क्या होती बदल रही थी, और भी क्या था नियत था। जब धारा आपकी बदलेगी तो भी I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो था क्या था नियत था। जब भी जब नियत होता है तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके,
प्रतिरोध के जो धारा होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी 1/r के। तो 1/r जब r की होगी तो यहां i1 रेशियो i2 रेशियो i3 .. किसके होगी बराबर r1 / r1 रेशियो 1/r2 रेशियो 1/r3 .. इसका कहने का यह मतलब है कि जब हमारी ये भी जब नियत होता है, जब विभवांतर जब नियत होता है, हमारा धारा जो होता है वो किसके तुल्य होता है 1/r प्रतिरोध। प्रतिरोध की क्या होता है, ये व्युत्क्रम होता है। तो I1 बराबर I1 रेशियो R2 रेशियो R3 डाटा बराबर 1/r2 R1 रेशियो 1/r2 रेशियो डाटा इस तरह होता है। ये आपस में दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आज हम लोगों ने पूरा का पूरा संपूर्ण कर लिया प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध के संयोजन के बारे में आज हम लोगों ने संपूर्ण अध्ययन कर लिया। एक बार इसका आपको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, ये नोट जो है इसको आप समझ लीजिए। तो आज हम लोग जो पूरा का पूरा क्लियर किया, हम लोग किसी चीज को रटने का प्रयास नहीं किए हैं। अगर हम आपको 3 पॉइंट अगर नोट भी आपको बताया है तो ये नोट भी जो आपका इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग आपको समझे हैं, आपको समझाए हैं। इसके आगे जो कुछ भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो उस न्यूमेरिकल्स के माध्यम से श्रेणीक्रम समांतर क्रम संयोजन और ओम का नियम अभी तक जो कुछ भी हम पढ़े हैं सबका सब टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। अभी भी किसी को कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग जो लोग भी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। और वीडियो को आप लोग एक बार जरूर लाइक कर दिया करिए, यही आप लोगों का प्यार हमको मिलता है, आप लोगों का और कुछ हमको मिलता नहीं है। आपका प्यार ही हमारे बहुत, समझ लीजिए कि हम भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को और इसी के साथ धन्यवाद।